क्वेश्चन नंबर थ्री, अ कॉपर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2.2 मीटर, इट्स डायमीटर इज 7×10⁻⁴ मीटर, व्हाट विल बी द एलॉन्गेशन इन इट्स लेंथ व्हेन अ 5 केजी वेट इज सस्पेंडेड, एक्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वाई इक्वल टू 1.25×10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर माइनस 2 एंड जी इक्वल टू 10 मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो देखिए इसमें आप गिवन डाटा क्या आपके पास लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है लेंथ ना, तो लेंथ की वैल्यू कितना दिया, इनिशियल लेंथ दिया है 2.2 मीटर है ना, और क्या दिया है इसका डायमीटर दिया है 2r की वैल्यू क्या है, डायमीटर दिया है 7×10⁴⁴ मीटर, तो यहां से r इक्वल क्या हो जाएगा 7/2 इसका हाफ हो जाएगा, तो 3.5×10⁻⁴ मीटर हो जाएगा है ना, और वेट सस्पेंडेड कितना दिया 5 kg, वेट सस्पेंडेड 5 kg का है। ठीक है, एक्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर 1.25×10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर माइनस 2 है ना। ठीक है, और जी एक्सीलरेशन टू डिग्रेडेशन जी जी को लगाने 10 मीटर सेकंड माइनस यहां पे एक्सीलरेशन टू डिग्रेडेशन ना। ठीक है, तो कह रहे कि फाइंड इलॉन्गेशन, इसमें वाले आपसे पूछा जा रहा है इलॉन्गेशन क्या होगा चेंज इन लेंथ ना, तो यंग मॉडुलस के लिए क्वेश्चन आपने क्या लिखा था बताइए, यंग मॉडुलस वाई इक्वल टू होता है वाई इक्वल टू एम जी एल अपॉन a इक्वल स्मॉल है ना, x मॉडुलस इक्वल टू m d l अपॉन a टू l, एक फ्रेंड रख दिया है। अब इसे क्या करना है, इसमें स्मॉल l की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या करना है स्मॉल l की वैल्यू फाइंड करना है ना, स्मॉल l कितना हो जाएगा, स्मॉल l इक्वल टू हो जाएगा इसको इधर ले लेते हैं तो y टू l हो जाएगा, y मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, हो जाएगा m g l अपॉन a इंटू y। ठीक है, a को क्या ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, a इक्वल हो जाएगा m g l अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू y। ठीक है, अब इसे वैल्यू रख दीजिए, तो m की वैल्यू कितना होता है m इंटू 5, g वैल्यू कितना है 9, g वैल्यू 10 दिया है, लेंथ कितना दिया है 2.2 दिया है, और पाई वैल्यू क्या है 22/7 है ना, तो इससे इनटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू से 3.5 और इनटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर है ना। ठीक है, और इनटू एल, एल की वैल्यू कितनी इनटू वाई, एक्स मॉडुलस की वैल्यू है 1.25×10⁻¹⁰ एक्स मॉडुलस। ठीक है, अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये 10 डेसिमल को हटा देगा, क्या क्या करेगा डेसिमल को हटा देगा ना। ठीक है, तो 7 ऊपर हो जाएगा और ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आपके कैंसिल होगी ना, अभी ऊपर जाएगा तो 35 हो जाएगा, 35 3.5 होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू इस पावर हटा देते हैं, तो जब ये पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा 5 ना। ठीक है, और इनटू 10⁻⁻⁰ हो जाएगा, 10⁻⁻⁰ जब ब्रैकेट ऊपर करिएगा तो -5×2 और -10 हो गया और 35.2 पावर होगा ये हो जाएगा इनटू 1.25×10⁻¹⁰ 1.25×10⁻¹⁰ आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसको नीचे रखें। तो देखो आपका 10⁻⁻⁰ इनटू 1.25×10⁻¹⁰। ठीक है, thank you.
एक और कट से तो एल इज इक्वल कितना हो जाएगा वन अपॉन 35 इंटू 1.25 इंटू 10 माइनस 10 प्लस है ना ठीक है। ये डेसिमल ऊपर ले लेते हैं तो 100 हो जाएगी। डेसिमल हटाएंगे 1.25 का डेसिमल डेसिमल जो हटाएंगे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे आपका 125 हो जाएगा 125 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 10 बचेगा मतलब 10 बचेगा ये आपका कैंसिल हो गया ना। तो ये हो जाएगा आपका 52 और 57 तो 2/7 इंटू 125 आप इसको डिवाइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा। चलिए डिवाइड करिए ये ले सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2.2857 इनटू 10^-3 मीटर तो ये ले सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 2.2857 मिलीमीटर। ये आंसर कितना है बड़े आंसर 2.3 आंसर राउंड फिगर में 2.3 यूनिट बताइए यूनिट क्या है व्हाट इज यूनिट एमएम मींस मिलीमीटर है। चलिए राइट राइट